हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास 3। सब्जेक्ट साइंस, लेसन 4, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लेसन 4, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। देखो, ये लेसन में हम प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। लाइक अस, अ प्लांट इज ऑल्सो लिविंग थिंग्स। प्लांट है वो भी हमारी तरह लिविंग थिंग्स है। इट नीड्स फूड, एयर एंड वाटर टू लिव एंड ग्रो। उसको जीने के लिए और ग्रो होने के लिए एयर, फूड और वाटर की जरूर है। अ प्लांट्स बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट्स लाइक अवर बॉडी। प्लांट की जो बॉडी होती है वो भी हमारी तरह डिफरेंट पार्ट्स से बनी होती है। अ प्लांट्स बॉडी इज डिवाइडेड इंटू टू मेन पार्ट्स, शूट एंड रूट। प्लांट की जो बॉडी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन से? शूट एंड रूट। देखो, यहाँ पर आपको प्लांट का पिक्चर दिख रहा है। ये जो प्लांट है, यहाँ पर वो उसके प्लांट के पार्ट है अलग अलग। उसकी बॉडी बर्ड, मतलब जो ये कलियाँ होती है उसको बर्ड बोलते हैं। लीफ, मतलब ये जो पत्ता है वो। फ्लावर, ये फूल। फ्रूट, यहाँ पर ये फल। ये जो पूरा पार्ट है उसको शूट बोलते हैं, मतलब बिलो ग्राउंड। यहाँ पर देखो, पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये है जो रूट, यहाँ पर शूट और यहाँ पर रूट। सॉरी, ये बिलो ग्राउंड नहीं है, ये जो रूट है वो बिलो ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड के नीचे अंदर होते हैं, इनसाइड। ये तो है, ये सब प्लांट का ऊपर है, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और बर्ड। यहाँ पर हम फर्स्ट रूट के बारे में लर्न करेंगे। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट रिमेन्स अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। रूट किसको बोलते हैं? जो प्लांट का ऐसा भाग, ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के नीचे होता है उसको बोलते हैं रूट। टाइप्स ऑफ रूट्स। अब ये रूट है उसके भी दो टाइप्स है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। फर्स्ट, टैप रूट। इन टेप रूट, अ लॉन्ग एंड थिंक मेन रूट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टीम एंड मैनी स्मॉल साइड रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट। टेप रूट में क्या होता है, देखो कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो टेप रूट है। तो टेप रूट में उसका जो स्टीम है वो लॉन्ग एंड थिक होता है। मेन, इसको बोलते हैं मेन रूट, जो यहाँ पर लिखा है मेन रूट। ये ऊपर का है वो स्टीम है और एक मेन रूट है, और यहाँ पर जो स्मॉल है वो साइड रूट से। तो ये मेन रूट में से साइड के जो रूट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं। ऐसे कौन से प्लांट है? लाइक पी, ब्लॉसम, मस्टर्ड एंड कैरोट हैव टेप रूट्स। ये जो प्लांट है उसमें टेप रूट होता है। अभी सेकंड नंबर का फाइब्रस रूट। इन फाइब्रस रूट, अ नंबर ऑफ थिन रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टीम। देखो, यहाँ पर पिक्चर में ये फाइब्रस रूट है, ये एक स्टीम है। तो स्टीम, जहाँ स्टीम का एंड होता है उसके अंदर ये जो फाइब्रस रूट होता है, मतलब के इन फाइब्रस रूट, अ नंबर ऑफ थिन रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टीम। स्टीम का एंड होता है, वहीं पर फाइब्रस रूट ग्रो होते हैं। लाइक ग्रास, ओनियन, राइस एंड वीट हैव फाइब्रस रूट। व्हाट इज द वर्क ऑफ रूट? अभी हम देखेंगे रूट का वर्क क्या है। रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सोइल। ये जो रूट होता है वो प्लांट को दृढ़ता से पकड़ कर रखता है जमीन के अंदर, मतलब सोइल के अंदर। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल दैट आर यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड।
और वाटर और मिनरल्स जो सोइल के अंदर होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो प्लांट को फूड बनाने में हेल्प करते हैं। ऑफ प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरोट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो आर थिक, स्वोलन एंड स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन देम। ये सब जो है रेडिश, कैरोट, टर्निप, स्वीट पोटैटो वो थिक है और स्वोलन मतलब फूला हुआ और वो उसमें फूड स्टोर करते हैं। वी ईट दिस रूट्स एज फूड। हम उसका रूट है वो फूड से मतलब फूड खाते हैं ऐसा। स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरोट, टर्निप इसका जो रूट है वो हम फूड के लिए यूज़ करते हैं। अभी शूट, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट रिमेन्स एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट। ये जो प्लांट का पार्ट है वो एबव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के ऊपर होता है। मतलब प्लांट में हमने आगे देखा कि लीव्स, बर्ड वो सब है, फ्लावर वो एबव द ग्राउंड है, इसको बोलते हैं शूट। अ शूट हैज स्टीम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। देखो शूट में क्या क्या होता है, स्टीम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अभी स्टीम, स्टीम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। स्टीम है वो मेन पार्ट है जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। इट बियर्स ब्रांचेस, बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीम्स। स्टीम ब्रांचेस, बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। डिफरेंट प्लांट होते हैं उसका जो स्टीम होता है वो भी अलग अलग होता है। शीशम ट्री का देखो, थिक, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी तो उसको बोलते हैं ट्रंक। और बनाना प्लांट का सॉफ्ट एंड ग्रीन है स्टीम। और मनी प्लांट, तो मनी प्लांट का कैसा है, वेरी सॉफ्ट एंड वीक स्टीम। और उसको मनी, हमने अगले लेसन में देखा कि उसको मनी प्लांट को जो है वो सपोर्ट की जरूर होती है। ट्रीज लाइक शीशम एंड नीम हैव वेरी हार्ड, थिक एंड वुडी स्टीम्स कॉल्ड ट्रंक। बनाना है सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टीम। प्लांट्स लाइक वाटरमेलन एंड मनी प्लांट हैव वेरी सॉफ्ट एंड वीक स्टीम। वाटरमेलन और मनी प्लांट का जो स्टीम होता है वो सॉफ्ट और वीक होता है। सच प्लांट्स आइदर रिक्वायर अ सपोर्ट टू ग्रो, उसको बोलते हैं क्लाइंबर। जो सपोर्ट चाहिए होता है उसको क्लाइंबर बोलते हैं। और ग्रो अलोंग द ग्राउंड उसको बोलते हैं क्रीपर्स। ये जो प्लांट है वाटरमेलन, मनी प्लांट उसका स्टीम सॉफ्ट और वीक होता है, उसको सपोर्ट चाहिए होता है तो इसको बोलते हैं क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ स्टीम्स, स्टीम का वर्क क्या है। होल्ड्स द प्लांट अप राइट, जो स्टीम होता है वो प्लांट को एकदम पकड़ कर रखता है मतलब उसको स्ट्रेट रखता है। सपोर्ट्स ब्रांचेस एंड बियर लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये जो ब्रांचेस को सपोर्ट करता है, लीव्स को, बर्ड्स को, फ्लावर को और फ्रूट को। कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। स्टीम होता है वो वाटर और मिनरल्स को रूट्स से लेके लीव तक पहुंचाता है मतलब पत्ते तक। कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो फूड बनाकर वो आपके उसके लीव्स में देता है वो डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचाता है। स्टोर्स फूड इन सम प्लांट्स लाइक शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर। और फूड है वो भी स्टोर करता है कैसे प्लांट में, देखो शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर। वी ईट सच स्टीम्स एज अ फूड। ये जो सब है नीचे पिक्चर दिया है, जिंजर, पोटैटो, शुगर केन, उसमें फूड स्टोर करता है और हम उसको फूड में यूज़ करते हैं। पोटैटो, जिंजर एंड ओनियन आर स्टीम्स दैट ग्रो बिलो द सोइल। ये जो है सब
वो बिलो द सोइल मतलब सोइल के नीचे होते, अंदर होते हैं, जमीन के अंदर. दीज आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टीम. इसीलिए ये सबको क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड स्टीम. यहाँ पर देखो एमसीक्यू है, पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमेन्स अंडर द ग्राउंड. तो आंसर आएगा रूट. पोटैटो इज अ स्टीम. व्हाट होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द सोइल? तो रूट्स. अभी उसके नीचे देखो लीफ. लीफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट. शूट का एक ऐसा पार्ट जो बहुत जरूरी मतलब इम्पोर्टेंट है, उसको लीफ बोलते हैं. ऑब्जर्व लीफ क्लोजली. हम उसको आज अच्छे से देखेंगे. द ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लेमिना. जो द ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस, जो मतलब ये जो पत्ते की सपाटी होती है यहाँ पर आप देख रहे हैं सब, इसको लीफ ब्लेड सॉरी लीफ ब्लेड मतलब पत्ते की धार और लेमिना बोलते हैं. ईच लीफ हैज़ अ ट्यूब इन द मिडल. मिडल सॉरी लीफ के बीच में ट्यूब होता है. दिस इज कॉल्ड मेन वाइन. यहाँ पर देखो पिक्चर में ये जो मिडल में है जो उसको बोलते हैं मेन वाइन. देर आर मेनी साइड ट्यूब्स कॉल्ड साइड वेन्स. और पिक्चर में देखो ये मेन वाइन है, वहाँ पर से छोटी छोटी साइड वेन निकलती है, देखो उसको बोलते हैं साइड वेन. कमिंग फ्रॉम द मेन वेन, और मेन वेन में से वो निकलती है. दिस वेन्स कैरी वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ लीफ. ये जो वेन्स है वो लीफ के सभी पार्ट में वाटर पहुँचाती है. द लोअर साइड ऑफ द लीफ हैज़ मैनी टाइनी होल्स. और जो लोअर साइड होती है लीफ की वहाँ पर छोटे छोटे होल्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड स्टोमाटा, और उसको बोलते हैं स्टोमाटा. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा. प्लांट है जो ब्रीथ मतलब सांस कहाँ से लेते हैं? तो स्टोमाटा से. लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जो लीव्स होता है वो ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का होता है. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का है. तो वो ग्रीन कलर क्यों है? तो उसके अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, इसीलिए वो ग्रीन देखते हैं. क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट. और ये क्लोरोफिल है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है प्लांट लीफ में. ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. ग्रीन लीव्स मतलब ये जो हरे पत्ते होते हैं ग्रीन पत्ते, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से और क्लोरोफिल की प्रेजेंस मतलब क्लोरोफिल की हाजिरी में और सनलाइट में वो फूड बनाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये जो पूरी प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आगे भी आपको आएगा कहीं पर भी. ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. वॉट इज द वर्क ऑफ लीव्स. अभी लीव्स का वर्क देखेंगे. आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स इज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. उसको फूड फैक्ट्री बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो प्लांट के लिए फूड बनाता है. हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा. और ये जो स्टोमाटा होता है वो उसकी मदद से ब्रीथ मतलब सांस लेते. गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू स्टोमाटा. और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी स्टोमाटा की मदद से गिव आउट मतलब बाहर करता है. प्लांट्स लाइक स्पिंच कोरिंडर केबेज एंड मीट स्टोर फूड एंड देयर लीव्स. ये जो स्पिंच कोरिंडर केबेज मीट वो होता है उसके पत्ते में वो फूड के लिए वो होते हैं मतलब हम ये सब है उसके पत्ते ही खाते हैं ना, तो उसके पत्ते में ही फूड होता है. दिस लीव्स आर ईटन एज फूड. हम उसके पत्ते को ही
फूड बनाकर खाते हैं। ऊपर पिक्चर दिया है स्पिंच, कोरिंडर, कैबेज। फ्लावर, फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट है वो फ्लावर है। मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल लाइक डकवीड एंड सम आर वेरी बिग लाइक रफ्लेशिया। किसी का फ्लावर स्मॉल होता है और किसी का बिग होता है। डकवीड का स्मॉल है और रफ्लेशिया का बिग है। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स। और फ्लावर के जो अलग अलग होते हैं शेप, साइज और कलर। मोस्ट फ्लावर्स लाइक जस्मिन हैव अ स्वीट फ्रेगरेंस। जस्मिन की जो फ्रेगरेंस होती है वो बहुत स्वीट होती है। दे अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट। वो बटरफ्लाई को और अदर इंसेक्ट को अट्रैक्शन करती है। हिबिस्कस, लोटस, रोज, मेरीगोल्ड, यहाँ पर जो फ्लावर है। फ्लावर्स हेल्प इन द रिप्रोडक्शन बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। देखो यहाँ पर बर्ड है, बर्ड में से फ्लावर बनता है और फ्लावर में से फ्रूट। मतलब फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड। इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स ड्यू टू कलर, स्मेल एंड स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर। इंसेक्ट सभी फ्लावर को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? तो उसका कलर, उसकी स्मेल और उसका जो रस मतलब नेक्टर अमृत होता है, उसकी वजह से वो उसको अट्रैक्ट करते हैं और उसको बोलते हैं नेक्टर। फ्लावर्स आर फ्लावर्स ऑफ कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर ईटन एज फूड। हम कॉलीफ्लावर और ब्रोकली का यूज़ फूड के फूड में करते हैं। यहाँ पर पिक्चर है कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। MCQ, द टाइनी पोर्स इन द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। स्पिंच स्टोर फूड्स इन लीव्स। फूड इज प्रिपेयर्ड फॉर प्लांट्स बाय लीव्स। अभी फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स आर फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर में से ही फ्रूट बनते हैं। फ्रूट्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज। फ्रूट भी डिफरेंट कलर के, शेप के और साइज के होते हैं। सम फ्रूट्स आर एडिबल एंड सम आर नॉन एडिबल। एडिबल भी होते हैं और नॉन एडिबल भी। एडिबल फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एडिबल फ्रूट्स है उसके टू टाइप्स है, फ्लेशी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। अभी देखो, फर्स्ट फ्लेशी फ्रूट्स हैव थिन आउटर वॉल एंड अ फ्लेशी एडिबल पोर्शन। अभी फ्लेशी फ्रूट्स में क्या होता है, तो उसका आउटर वॉल है मतलब बाहर की जो दीवार है वो कैसी होती है, थीन एकदम पतली, एंड फ्लेशी एडिबल पोर्शन। और उसका जो अंदर का पोर्शन होता है वो फ्लेशी एडिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, मैंगो, पियर एट्सेट्रा। सेकेंड, ड्राई फ्रूट्स हैव मोस्टली अ थिक आउटर वॉल। और ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसकी जो आउटर वॉल होती है वो थिक होती है। इन दिस फ्रूट्स सीड्स आर द एडिबल पोर्शन। और उसके अंदर का जो सीड होता है वही एडिबल पोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल आलमंड, कैश्यू नट्स एट्सेट्रा। आलमंड, कैशनट, ये जो है एडिबल फ्रूट है। अभी नॉन एडिबल फ्रूट में क्या है, धतूरा, फॉक्स ग्लो, ये जो है वो नॉन एडिबल फ्रूट है। नॉन एडिबल फ्रूट्स आर धतूरा एंड फॉक्स ग्लो। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम। बहुत सारे फ्रूट होते हैं उसके अंदर सीड्स होते हैं। मैंगो, चेरी एंड पीच है ओनली वन सीड। मैंगो, चेरी और पीच है जिसके अंदर ओनली वन सीड ही होता है। एप्पल, ऑरेंज एंड पपैया हैव मैनी सीड। एप्पल, ऑरेंज, पपैया होता है उसके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। बनाना एंड पाइनएप्पल हैव नो सीड। बनाना और पाइनएप्पल है उसके अंदर कोई भी सीड होता नहीं है। पिक्चर में देखो, मैंगो फ्रूट विथ वन सीड। मैंगो के अंदर सिर्फ एक ही सीड होता है। पपैया एंड एप्पल फ्रूट्स विथ मैनी सीड।
इसके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। बनाना फ्रूट विथ नो सीड, इसके अंदर एक भी सीड नहीं होता। सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट, ये जो सीड होते हैं वो अंदर फ्रूट के अंदर प्रोटेक्ट होते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो मोस्टली फ्रॉम सीड्स, न्यू प्लांट होते हैं वो मोस्टली सीड में से ही ग्रो होते हैं, मतलब सीड में से ही ग्रो होते हैं। एवरी सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, सभी के बीज के मतलब सीड के अंदर बेबी प्लांट है। सभी जो बेबी प्लांट होते हैं वो सीड में से ही बनते हैं। सीड स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। When the seed gets enough water, air and sunlight, the baby plant starts growing. देखो seed को पूरी तरह से मतलब enough water, air and sunlight मिलता है तो उसमें से baby plant बनना start हो जाता है। This process of growing of a new plant from a seed is called germination. और ये जो पूरी process है मतलब सीड में से प्लांट बनने की तो उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हेन द सीड गेट्स इनफ वाटर एयर एंड सनलाइट द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग। दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यहाँ पर देखो एक डायग्राम भी दिया है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। पहले सबसे छोटा सीड था, उसके बाद देखो ये इतना हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, यहाँ पर थोड़ा और उसमें से स्मॉल प्लांट बन गया।